So we are here. Hi guys, welcome to my channel. So अभी 3 बजे है तो मैं स्लोली बात करूँगी क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं घूमने के लिए. तो अभी हम लोग बेरी जा रहे हैं, वहाँ पे अनुज की IELTS की एग्ज़ाम है. तो वहाँ पे जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो फिर हम लोग घूमने भी जाने वाले हैं. तो हाँ, मतलब वहाँ पे घूमेंगे, 2 दिन का प्लान है. एंड अभी 3 बजे है, नहीं 4 बजे है, तो अभी 4 बजे हम निकले हैं एंड देखते हैं IELTS के एग्ज़ाम है. हम लोग अभी यहाँ पे बेरी पहुँच गए हैं एंड हम लोगों ने एक एयरबीएनबी बुक किया है जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बढ़िया है. सो वी जस्ट थॉट कि चलो हम इसका भी मतलब एयरबीएनबी टूर दे देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द एंट्रेंस एंड यहाँ पे डाइनिंग स्पेस जैसा दिया है. सो ये हॉल है एंड हॉल में ही एक जगह पे ये रखा है. एंड यहाँ से जैसे आगे आएंगे तो यहाँ पे सोफा एंड टीवी भी दिया है जो कि बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है. दिस इज द लिविंग रूम. अब यहाँ से आगे चलते हैं एंड यहाँ पे ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए दिया है लेकिन बहुत ही प्रीटी है. बताइए एंड होल के बाद तुरंत ही किचन स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज द किचन एरिया एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कितनी सारी चीज़ें दी गई है. सो कॉफ़ी मेकर दिया है, ये सारा पता नहीं क्या है, हाँ मतलब कॉफ़ी का ही है. तो ये दिया है, हाँ जो है इसमें सारे स्पून्स और फोक्स और सब कुछ है. टाइप्स की मतलब नाइफ्स दी गई है. Oh my God. Really? तो ये जो किचन है उसके सामने ही 2 रूम्स है. सो हम 1 by 1 मतलब 1 by 1 दिखाते हैं. सो दिस इज द सेकेंड रूम एंड ये आई थिंक किंग साइज बेडरूम है. सो दिस इज किंग साइज बेडरूम. सब कुछ दिया गया है एंड यहाँ पे मिरर कपबोर्ड है. सो यहाँ पे रूम नंबर्स दिए हैं. सो दिस इज द सेकेंड रूम एंड हाँ मतलब ऐसा है पूरा रूम. अभी हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ. तो यहाँ पे जो सेकेंड बेडरूम है उसके बाद मतलब जो भी वॉल है वहाँ पे बहुत ही बड़ी वॉच दी गई है, वॉल क्लॉक है एंड ये डेकोरेशन पीस है. सो एंड दिस इज द फर्स्ट बेडरूम. तो ये आई थिंक डबल बेड है एंड इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है एंड सेम चीज़ है लाइक कबर्ड है और उसमें ब्लैंकेट है. बताइए तो ये जो मतलब दोनों रूम है उसी लाइन में आगे बाल मतलब मेन जो वॉशरूम है जो कि शेयर्ड वॉशरूम है वो वहाँ पे है. तो हाँ वो पहले देख लेते हैं. यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई है. फॉर एग्जाम्पल आयरन है, हेयर ड्रायर है, वॉशिंग मशीन्स भी दिए हैं. सो दिस इज द लॉन्ड्री रूम एंड हाँ दैट्स ऑल. ये क्या है, वैक्यूम? हाँ दिस इज द वैक्यूम क्लीनर. सॉरी
सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड अभी हम लोग टी बॉटन्स आए हैं थोड़ा चाय कॉफ़ी पीने के लिए. चाय तो वैसे पता नहीं यहाँ पे कैसी मिलती है, बट हाँ कॉफ़ी ऑर्डर की है. सो कल हमने ऐसा कुछ किया नहीं था तो उस पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, मतलब बहुत ज़्यादा विंड थी तो बहुत ही ज़्यादा हमें ठंड लग रही थी. हम लोग कल नॉल गए थे एंड एक बीच पे गए थे जहाँ पे हम लोग 5 मिनट भी नहीं रहे थे टी पॉट के बाद, एकदम ही जल्दी से निकल रहे थे. सो आज इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, सो वी आर प्लानिंग टू गो टू दैट बीच जहाँ पे हम कल गए थे. एंड हम लोग एक आउटलेट में भी जाने वाले हैं, मेरा मेरा मुझे शूज़ लेना है एंड बाकी थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएंगे. एंड उसके बाद हम ऑनेस जाएंगे. सो कल हम ऑनेस गए थे एंड वहाँ पे फास्ट फूड वगैरह सब कुछ हो गई है. सो आज हम पंजाबी खाने के लिए जाने वाले हैं. तेरे को तो हम लोग आउटलेट जाके आ गए एंड हम लोगों ने शूज भी ले लिए. बाकी बहुत ज्यादा टाइम अच्छी रही. ठंड थी थोड़ी ज़्यादा. खाना खाने का जो मज़ा आया है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतना मतलब अच्छा इंडियन फूड नहीं मिलता है. एंड ऑब्वियसली आप जैसे जैसे GTA के पास जाओ आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फूड ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाते हैं. एंड वी वेर एट बेरी, सो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे. हम होप आप लोगों को मजा आया होगा एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.